अजमेर एलिवेटेड रोड को मिली स्वीकृति। अजमेर स्मार्ट सिटी बोर्ड की आयोजित हुई बैठक, मंत्री व अधिकारियों के बीच हुई बैठक। बैठक में मिले कई सुझाव। अजमेर स्मार्ट सिटी के अंदर बनने वाले एलिवेटेड रोड की स्वीकृति के लिए आज बैठक की गई। बैठक में कलेक्टर आरती डोगरा, मंत्री वासुदेव देवनानी, मंत्री अनीता भदेल, निगम के मेयर धर्मेंद्र गहलोत, कमिश्नर हिमांशु गुप्ता, एडी अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा, पुलिस कप्तान राजेंद्र चौधरी व अजमेर डेयरी के चेयरमैन रामचंद्र चौधरी व कई अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में सभी गणमान्य लोगों ने एलिवेटेड रोड को लेकर अपनी अपनी राय दी। वैसे भी की राय लेने के बाद इस कार्य को स्वीकृति दी गई। अब जल्द ही अजमेर में एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। आज स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक हुई जिसमें एलिवेटेड रोड को अप्रूवल मिला है और अब ये स्मार्ट सिटी रोड बनने वाला है। ये मार्टेंडल ब्रिज से लेकर के और आगरा गेट चौराहे तक 4 लेन होगा और आगरा गेट चौराहे से 2 लेन महावीर सर्किल तक जाएगी और इसी प्रकार से 2 लेन कचहरी रोड से स्टार्ट होकर के तो गांधी भवन सर्किल पर 4 लेन जो मार्टेंडल ब्रिज तक की और जो एलिवेटेड रोड जाने वाली उसके अंदर मिलेगा। तो इस तरह से अजमेर के ट्रैफिक की प्रॉब्लम से हमें निजात मिलेगी। जितना वायु प्रदूषण होता है गाड़ियों के रुकने के कारण से वो होगा और एक हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मान लो कोई व्यापारी लोग हैं हमारे जो युवा उपाध्याय वगैरह रहते हैं, वैशाली नगर रहते हैं, जिनका इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रीज है, वो नियमित रूप से रोज आते जाते हैं, उन लोगों को इससे राहत होने वाली है। एक शंका ये है हमारे जो इन रोड्स पर जो व्यापारी लोग हैं उनको एक शंका है कि इससे हमारा जो व्यापार है वो बाधित हो जाएगा, पर मैं इससे यह कह सकती हूँ व्यापार बाधित होने की बजाय व्यापार और उनका बढ़ेगा। क्योंकि एक तो ट्रैफिक की समस्या के कारण से जो गाड़ियाँ मेन रोड की दुकानों पर नहीं रुक पाती हैं, लोग चीज़ें परचेज करने के लिए नहीं रुक पाते, वो यदि उनको चीज़ परचेज करनी होगी तो वो आराम से रुकेंगे, तसली से अपनी शॉपिंग करेंगे और साथ ही साथ क्योंकि जिनको परचेज नहीं करना है सामान वो सीधे एलिवेटेड रोड से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे तो उनका जो व्हीकल्स का प्रॉब्लम जो होता है वो व्हीकल्स का प्रॉब्लम उनका ख़त्म हो जाएगा और वास्तव में जो खरीदार वो लोग हैं वो बाज़ार में जाकर के अपनी खरीदारी कर सकेंगे, आराम से कर सकेंगे। तो व्यापारियों को भी इससे राहत मिलेगी, ट्रैफिक से उनको राहत मिलेगी। एक दूसरा और इसमें व्यापारियों को जो विकल्प मिलने वाला है, कई बार व्यापारियों को गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी, आसपास कहीं पार्किंग नहीं है, तो पिलर्स के नीचे जो 2 पिलर्स के बीच में 30 मीटर का जो गैप रहने वाला है उस गैप के अंदर वो अपनी गाड़ी खड़ा भी कर सकेंगे और साथ ही साथ में अपने व्यापार को और बढ़ा भी सकेंगे। मैम इसका शिलान्यास कब तक होने का है? 16 अगस्त के लगभग ये काम शुरू होगा और 1 महीने में एवरेज 4 पिलर्स बनते हुए ये पूरा ब्रिज तैयार होगा और इसमें लगभग 300 के लगभग पिलर्स आने वाले हैं और ये स्टील का बनेगा पूरा का पूरा। इसका जो फ्रेम होगा, पिलर्स पर जो फ्रेम रखा जाएगा वो स्टील का होगा। तो एक कंस्ट्रक्शन के समय जो एक परेशानी सबको ये महसूस कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन करते समय ट्रैफिक की परेशानी होगी, दुकानदारों को परेशानी होगी, तो ना तो ट्रैफिक की परेशानी होगी ना दुकानदारों को परेशानी होगी क्योंकि 2 मीटर का डाया में ये एक पिलर खड़ा होने वाला है और उसके ऊपर स्टील के फ्रेम पर फिर ये एलिवेटेड रोड बनने वाला है।